सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2019 का 40वां लीग मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच का टॉस दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मैच के दूसरे ओवर में ही एक बहुत ही दिलचस्प घटना देखने को मिली। दरअसल इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की पारी का दूसरा ओवर कगिसोर रबाड़ा लेकर आ रहे थे। उनके इस ओवर की पहली गेंद को अजिंक्य रहाणे ने हल्के हाथ से खेला और वो इस गेंद पर सिंगल भी लेना चाहते थे। वो अपनी क्रीज से रन बनाने के लिए आगे निकले और उनका साथ देते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े संजू सैमसन भी रन लेने दौड़ पड़े, लेकिन जब संजू सैमसन आधी क्रीज में पहुंचे तो रहाणे ने उन्हें वापस अपनी क्रीज में जाने को कहा क्योंकि कगिसोर रबाड़ा तेजी से बॉल पर आ गए थे। हालांकि जब अजिंक्य रहाणे ने संजू सैमसन को वापस क्रीज में जाने को कहा तब तक काफी देर हो चुकी थी और कगिसोर रबाड़ा ने गेंद को पकड़कर गेंदबाजी एंड के स्टंप पर थ्रो कर दी। कगिसोर रबाड़ा का ये थ्रो शानदार था और उनके इस थ्रो ने संजू सैमसन की पारी को समाप्त कर दिया। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2019 से जुड़ी हर लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको यहां पर आईपीएल 2019 से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।